अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अज़र और आज गुफ्तगू का उन्वान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे गए 25 सवालों में से सवाल नंबर 16। पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि अल्लाह मेरी पर्दापोशी फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोगों की पर्दापोशी करो, अल्लाह तुम्हारी पर्दापोशी करेगा। सुभान अल्लाह। ज़रा तारीफ के बाद फिर इंशाल्लाह इस मौजू को देखते हैं कि सुभान अल्लाह, एक लाइन के जवाब में इस ज़माने के लिए, हर हाल के लिए, हर वक्त के लिए, हर इंसान के लिए हज़ाने ही हज़ाने छुपे हैं। बस जितनी देर कोई ढूंढने में लगाता है उतनी देर वो हासिल करने में लगाता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें सही तरीक़ा से इस जवाब और इस सवाल को अपने ख़ास कर्म की बदौलत सही समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सवाल था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहता हूँ कि अल्लाह मेरी पर्दापोशी फरमाए। जवाब में आका ने फरमाया कि लोगों की पर्दापोशी करो, अल्लाह तुम्हारी पर्दापोशी करेगा। सुभान अल्लाह, इस सवाल और इस जवाब से मेरे जैसे गुनाहगार बंदों के लिए जो हिकमत भरी बात है, आइए वो देखने और सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। दुनियादारी की नज़र से या मैं अपनी नज़र से देखने की कोशिश करूं तो सवाल था कि मेरी पर्दापोशी फरमाए अल्लाह, ये मैं चाहता हूं। जवाब ये होना चाहिए था कि तुम फिर अल्लाह के वो सारे अहकाम पूरे कर लो तो फिर अल्लाह तुम्हारी पर्दापोशी कर लेगा। मतलब तुम जो छुप के रोज़ा रखते हो इसे ठीक से निभाना, क्योंकि इसके गवाह तो तुम ही हो। अंदर होकर कमरे में जाकर अगर कोई पी ले खा ले तो कोई कुछ कह सकता है किसी को? नहीं। रोज़ादार तो रोज़ादारी लगेगा, कौन सा माथे पे लिखा जाता है भाई इसने रोज़ा तोड़ लिया। लेकिन कहना तो ये चाहिए था भाई तुम रोज़ा ठीक से रखो, तुम्हारी अल्लाह पर्दापोशी कर देगा। कहना तो ये चाहिए था कि तुम जो नमाज़ पढ़ते हो ये रियाकारी से पाक करो, लोगों को दिखावे की नमाज ना पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी पर्दापोशी कर लेगा। मेरे नज़दीक कहना तो ये चाहिए था कि जो तुम्हारे छुपे हुए पैसे हैं, जो तुम्हारे तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कितनी मालियत है, इसका जो इसकी जो ज़कात है वो तुम अच्छे तरीके से लोगों को दो, अल्लाह तुम्हारी पर्दापोशी फरमाएगा। कहना तो ये चाहिए था कि जी हज करके आओ, वो जो पैसे हैं, जो पैसे तुम लगा कर जाओगे हलाल हों, हज करके आओ और बिल्कुल महसूस ना होने देना कि अब तुमने अल्लाह के घर से हज कर लिया और पता नहीं तुम में कोई गुरूर आ गया। नहीं नहीं, ये कहना चाहिए था मेरी सोच के मुताबिक। लेकिन सरकार ने तो बिल्कुल ही दूसरा जवाब बता फरमाया, आपने फरमाया कि लोगों की पर्दापोशी करो। यानी अगर तुमने नमाज पढ़नी है तो वो तुम्हारे लिए है, अल्लाह चाहे तो कबूल करे या ना करे, दलील कोई नहीं कि पर्दापोशी होगी। रोज़े रखे हैं तुम्हारे लिए हैं, अल्लाह चाहे तो कबूल करे, दलील कोई नहीं कि पर्दापोशी होगी। हज किया है तो तुम्हारे लिए है, दलील कोई नहीं कि पर्दापोशी होगी। इसी तरह अगर आपने ज़कात दी है तो ये भी आपका और अल्लाह का मामला है, दलील कोई नहीं है कि पर्दापोशी होगी। पर्दापोशी होने पर यानी आपके ऐब छुपने की दलील ये है कि आप दूसरों के ऐब छुपाइए। सुभान अल्लाह, सदके जाऊँ सरकार के कि मुझ जैसे गुनाहगारों का भी आपको ख्याल है, आपने उनका भी ख्याल रखा कि भी जो मुझ जैसे गुनाहगार होंगे इनकी पर्दापोशी भी तुम अगर करोगे तो तुम्हें अल्लाह ताला की बारगाह में रसवाई नहीं मिलेगी, बल्कि जो तुम नमाज टूटी फूटी छोड़ कर आए हो वो भी अल्लाह तुम्हारी पर्दापोशी कर देगा। जो रोज़े तुमने रख के सिर्फ यही दिखाने के लिए कि मैं दूसरों की गिनती में ना आ जाऊँ या मैं गिनती में ना पूरा करना चाहता हूँ, लोग क्या कहेंगे, फ़लाँ ने 30 रखे हैं मैंने 29 रखे हैं, ये भी तुम्हारी पर्दापोशी कर लेगा। जो ज़कात तुम दे रहे हो किस माल से है, किस तरह के हाल से है, तुम्हारी पर्दापोशी कर देगा। अगर हज करके आए हो, नहीं पता कि तुमने उस शैतान को जब कैंकरियाँ मार रहे हो तो वो शैतान क्या तुम्हारे दिल से निकल गया था, ये तो भी तुम्हारी पर्दापोशी कर देगा। लेकिन ये पर्दापोशी तब होगी जब तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी उम्मती की पर्दापोशी करोगे, किसी के ऐब पर अपनी आंखें बंद करोगे, किसी का ऐब देखकर भी अपना मुंह मोड़ लोगे, उसकी इसलाह करने की कोशिश करोगे, ना कि उसको जलील करने की कोशिश। अगर इंसान ये अपनी आदत बना ले कि उसने जो देखा है वो अल्लाह के लिए चुप करेगा, तो यकीन जानिए मेरा ईमान कहता है तो फिर अल्लाह वो है जिसकी एक आदत ये है कि वो किसी की मेहनत और अजर ज़ाया नहीं करता। तो अगर कोई किसी की पर्दापोशी कर ले, मेरा ईमान कहता है, हदीस में दलील भी मौजूद है,
कि फिर अल्लाह उसके थोड़े अमाल पर उसकी पर्दापोशी करके उसको जन्नत में भेज देगा। लोग हैरान हो जाएंगे, मेरा ईमान कहता है कि यार ये तो जन्नत में जा ही नहीं सकता था, ये जन्नत में कैसे चला गया। मेरा ईमान कहता है, मेरा यकीन कहता है कि इंशाल्लाह वो वजह यही होगी कि उसने मोहम्मद के उम्मतियों के पर्दे रखे होंगे, मोहम्मद के उम्मतियों के ऐब छुपाए होंगे, जो उसने देखा होगा कि भई ये ज़माने में फ़लां शख्स कितना गंदा है, इनका आपस में रिश्ता कितना गंदा है, लेकिन इस गंद को वो ज़माने में उछाल कर उनकी जिल्लत को नहीं बल्कि कोशिश करे कि उनको इसलाह करके उनकी इज़्ज़त को बचा ले। अब यहाँ पे तो एक चीज़ हमें ये सीखने को मिली है, जितने भी सवाल आए हैं, जितने भी जवाब आए हैं, इसके पीछे तो सिर्फ ज़माना ही ज़माना है, ज़माने के लोग हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की ही उम्मत है। पता ये चला कि इंसानियत को ज़िंदा रखने वाला अल्लाह के हुक्म से क़यामत वाले दिन रुसवा नहीं होगा, बल्कि जिसने दुनिया में लोगों के ऐब छुपाए, रहम किया, शफकत की, किसी को खाना खिलाया, किसी का बुरा वक़्त निकाल दिया, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस दलील के मुताबिक क़यामत वाले दिन उसी का बुरा वक्त निकाल दिया जाएगा, उसके पर्दापोशी कर दी जाएगी। वो देख रहा होगा कि शायद मेरे अभी के अभी कोई ऐब खुले, अभी के अभी मेरा फ़लाँ ऐप खोल दिया जाए, अभी इस ज़माने जो वहाँ पे खड़े होंगे हमारे अजीज़ों कारिब, देखा जाएगा, सोचा जाएगा कि शायद मेरी अभी के अभी इसके इनके सामने अभी रसवाई होने वाली है। लेकिन मेरे रब की रहमत, अगर उसने पर्दादारी की होगी, अगर उसने पर्दापोशी की होगी, अगर दूसरों के ऐप छुपाए होंगे, तो वही जलील अल्लाह उनको इज़्ज़त में बदल कर सारे ज़माने के सामने जन्नत में भेज देगा। लेकिन इसके लिए होना क्या है कि बस आपने नियत करनी है कि आपका जो दिल वाला जो हिस्सा है, इसमें किसी के ख़िलाफ़ या किसी के ऐबों को फाश करने की आदत ना पड़ जाए। इसमें एक हदीस का मफहूम बयान करना चाहता हूँ, बड़ी प्यारी हदीसें पाक है, हदीसें तो सारी खूबसूरत होती हैं, मगर कई गुनाहगारों के लिए जब होती हैं तो वो दिल को खुश करने वाली भी होती हैं। जैसा कि एक ऐसी हदीस पाक का मफहूम है कि एक क़यामत वाले दिन एक शख्स के कहा जाएगा कि तुम अपने ऐप पढ़ो, वो छोटे छोटे ऐप पढ़ना शुरू करेगा खुद ही, कि वो कहेगा मैं बड़े बड़े नहीं पढ़ता, चलो बाद में देखते हैं। तो वो जो छोटे छोटे ऐप होंगे अल्लाह ताला उनको माफ़ करता चला जाएगा, वो पढ़ता चला जाएगा अल्लाह माफ़ करता चला जाएगा, वो पढ़ता चला जाएगा अल्लाह माफ़ करता चला जाएगा, वो देखेगा लो जी अजते सुबहान अल्लाह मेरे सारे ऐप ने, तो अल्लाह फरमाएगा बस अब जाओ, कहता नहीं जी हल्ले हो रहे हैं, तो जवाब सुनने में ये मिलेगा जितने भी हैं सारे माफ़ कर दिए। ये रहीम करीम जो पाक परवरदिगार है, उससे अगर हमने ये तवक्को रखनी है कि वो हम पर रहम करे, तो हमें दुनिया वालों पर रहम करना होगा। अगर हमने ये यकीन रखना है कि वो हमारी पर्दापोशी करे, हमने जो थोड़े बहुत अमाल किए हैं इस पर ही राज़ी हो जाए, तो हमें दूसरों के ऐबों को छुपाना होगा, उनके लिए रस्ते आसान करने होंगे, इसलाह करनी होगी। इसी लम्हा फिक्रिया के साथ कि क्या हम दूसरों के ऐब छुपाते हैं, क्या हम एक दूसरे के कानों में ये बात शेयर तो नहीं कर रहे, फ़लाँ यार इस तरह का है, फ़लाँ यार इस तरह का है। चे जाए कि आप किसी को किसी से महफूज कर रहे हो या किसी की इज़्ज़त तार तार कर रहे हो, या आप पर छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आप पर्दापोशी करते हैं तो सलाम है आपको, अल्लाह ज़रूर आपकी पर्दापोशी करेगा, और अगर आप वावेला करते हैं तो अभी से इस्तिग़फ़ार कर लीजिए, वरना इंतज़ार कीजिए, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।